जो एंटीबॉडीज होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोब्यूलिन. इसको हम और क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं. ठीक, IG, ओके, इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहते हैं. एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं. कैसे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं. और इनके हैवी चेन के आधार पे, इनके इनमें दो चेन होते हैं. एंटीबॉडी का कभी आपने स्ट्रक्चर अगर पढ़ेंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी में दो चेन होते हैं, दो चेन होते हैं. ध्यान समझिएगा, एक ये देखिए ध्यान से, ये दोनों हैवी चेन हो गए. क्या हो गए, हैवी चेन हो गए. और ये दोनों क्या हो गए, लाइट चेन हो गए. तो हैवी चेन बड़ी है और लाइट चेन छोटी है. लाइट चेन और हैवी चेन आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं. किस बॉन्ड के द्वारा, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं. डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं. इतनी बात सबको समझ आ रही है. और एंटीबॉडी और ये हैवी चेन, और हैवी चेन भी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं. ये आगे हम आपको बताएंगे. इसमें हालांकि दो रीजन होता है, एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन. ये हम आपको आगे बताएंगे. एक बार फिर से देख ही लीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे इतना दूर फिर से देखिए. ये क्या बताया हमने, ये हैवी चेन है. ये क्या है, हैवी चेन. और ये वाला क्या है, लाइट चेन है. ये वाला लाइट चेन है, लाइट चेन. क्योंकि हैवी चेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास होता है, 50,000 डाल्टन. और जो लाइट चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 25,000 डाल्टन के आसपास होता है. कितना, 25. तो हैवी चेन का मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, और लाइट चेन का कम होता है. आपको बता दें कि ये वाला रीज़न वेरिएबल रीज़न कहलाता है. वेरिएबल, यहां तक लाइट चेन का वेरिएबल, तो इसको हम VL कहते हैं, मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन. और ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, VH कहलाता है ये, VH. ठीक, तो VL यहां पे भी है, ये VL हो गया और ये VH हो गया, वेरिएबल ऑफ लाइट एंड वेरिएबल ऑफ हैवी. ठीक है ना. और उसके बाद के जो भी पार्ट बचे हुए हैं वो कांस्टेंट रीजन कहलाते हैं. अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम आपको आगे बताएंगे. ये दोनों के वेरिएबल रीजन मिलके यहां पे एक डिप्रेशन बनाते हैं. और इसी डिप्रेशन को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी डिप्रेशन को क्या कहते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ABS बराबर एंटीजन बाइंडिंग साइट. मतलब यहीं से ये एंटीजन से बाइंड करते हैं, तो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है. एंटीबॉडी किससे बाइंड करता है, एंटीजन से. तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो एंटीजन है वो किससे बाइंड करता है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन. और आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो किससे बना है, तो योर आंसर मस्ट बी VL प्लस VH, वेरिएबल L, और मतलब वेरिएबल ऑफ लाइट एंड वेरिएबल ऑफ हैवी चेन. क्योंकि आपको कई सारे ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन ऐसे दिया रहता है. देखिए ये सवाल आपको हायर लेवल में, मतलब CSIR में भी पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन में. ऐसे दिया रहता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट किसका बना होता है, तो वेरिएबल ऑफ लाइट ओनली. ठीक, फिर दिया रहता है वेरिएबल ऑफ हैवी चेन ओनली. ठीक, फिर दिया रहता है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट एंड हैवी चेन बोथ. ठीक, और फिर दिया रहता है कांस्टेंट रीजन ऑफ
कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ बोथ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एंटीजन बाइंडिंग साइट किसका बना होता है, वेरिएबल ऑफ लाइट एंड हैवी चेन बोथ। इतनी बात सबको समझ आ रही है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एंटीबॉडी एक साथ कितने एंटीजन से बाइंड कर सकता है, तो ऑब्वियसली दो एंटीजन से बाइंड करेगा। एंटीजन क्या होता है, अब सवाल यह है कि एंटीजन क्या होता है। भाई हमारी बॉडी में जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स आते हैं, चाहे वो वायरस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, ये सब क्या है, एंटीजन है, ठीक है ना। तो जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, एंटीजन है। और एंटीजन के खिलाफ क्या वर्क करता है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कैसे वर्क करता है, वो यहां से बाइंड कर लेता है एंटीजन से, और उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होती है, वो थोड़ा डिटेल है, ठीक है ना। तो एक चीज आपको थोड़ा सा ये थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे भी। एक और बात आपको बता दें कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक चीज और लिख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है एक टर्मिनोलॉजी एपिटोप, और एक टर्मिनोलॉजी है पैराटोप, ठीक है ना। देखिए एपिटोप और पैराटोप, एपिटोप का मतलब होता है पार्ट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है इसको एपिटोप कहते हैं, एंड पैराटोप क्या है, पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच बाइंड्स विद एंटीजन, ठीक है ना। तो एपिटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीजन एंड पैराटोप इज द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक। इतनी बात सबको समझ आ रही है। एक और चीज हम आपको इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में बताना चाहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और चीज बताते हैं, आगे देखिए इसको। इम्यूनोग्लोबुलिन कितने तरीके का होता है, तो फाइव टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, फाइव टाइप्स ऑफ आई जी होते हैं या एंटीबॉडीज होते हैं। और ये जो पांच तरीके के एंटीबॉडी होते हैं उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन, हैवी चेन के बेसिस पे किया जाता है। देखिए एक है इफ हैवी चेन, इफ हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ गामा चेन, अगर इसमें गामा चेन प्रेजेंट होता है हैवी चेन में, तो इस तरीके के एंटीबॉडी को कहते हैं IgG। क्या कहते हैं, IgG। इफ हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ म्यू चेन तो इसको कहते हैं IgM। अगर आपको कभी ये पता ना रहा हो कि क्यों GM ये सब नाम होता है, तो आप ये बात जान जाइएगा, ठीक। इफ हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ अल्फा चेन तो इसको हम कहते हैं IgA, और इफ हैवी चेन कंसिस्ट ऑफ डेल्टा चेन, डेल्टा चेन से बना होता है तो इसको कहते हैं IgD, एंड इफ हैवी चेन इज कंसिस्ट ऑफ एप्साइलन चेन तो इसको कहते हैं IgE। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पांच तरीके के एंटीबॉडी हैं इनका नॉमनक्लेचर किसके बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ चेन्स प्रेजेंट इन हैवी चेन। हमेशा याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबुलिन का नॉमनक्लेचर हैवी चेन में प्रेजेंट जो चेन होती है उसकी उसके आधार पे किया जाता है। तो पांच तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा कौन होता है तो आपको बता दें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, गम दे, ठीक। गम दे से मतलब सबसे ज्यादा IgG, फिर IgA, फिर IgM, फिर IgD और फिर IgE। तो हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 80% IgG है और 1-5% IgE है। तो ये याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ऑन द बेसिस ऑफ, या एक मिनट,
मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे अगर कि किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे याद रख लीजिएगा, माई डॉग या डीजी, माई डीजी, ठीक है, ये वाला एम ए ई डी जी, सबसे बड़ा आई जी एम, फिर आई जी ई ए, फिर आई जी ई, फिर आई जी डी, फिर आई जी जी। ये क्वेश्चन अभी जीआईसी में शायद यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे बड़ा एंटीबॉडी या सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, आई जी एम का होता है। क्यों होता है ये भी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ताकि आपको ये सब याद रहे, जब हम लोग इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। इम्यूनोलॉजी भी हमारा फेवरेट है, ठीक है, उसको भी हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो ये देखिए, इतनी बार सबको समझ आ गई, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है, आई जी जी का होता है। कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ, दोनों हाफ लाइफ मतलब सबसे ज्यादा देर तक कौन सर्वाइव करता है, तो आई जी जी का हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, आई जी ई का हाफ लाइफ सबसे कम है, ठीक है ना। और मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा किसका है, आई जी एम का है, और ए ई डी जी, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब आई जी एम का मॉलिक्यूलर वेट, आई जी एम का मॉलिक्यूलर वेट क्यों सबसे ज्यादा है, तो आपको बता दें कि आई जी एम कभी भी अकेला नहीं प्रेजेंट होता, आई जी एम हमेशा पेंटामर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक दो तीन चार पांच, ये देखिए पांच एंटीबॉडी हमने बनाए हैं यहां पे, आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला देखिए ध्यान से, ये एक हो गया, एक ये दो हो गया, दो ये तीन हो गया, तीन ये चार हो गया, और ये पांच हो गया ना। और सारे के सारे आपस में एक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं, एक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसको जे चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जे चेन कहते हैं। तो अब एक इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, आपको बता दें कि ऐसा एंटीबॉडी बताइए जो एक साथ 10 एंटीजन से बाइंड कर सकता है, 10 एंटीजन, क्योंकि इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी, एक मतलब दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, कितने हो गए, 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गया। तो क्योंकि ये पेंटामर फॉर्म में होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है। फिर ए, अगर हम ए की बात करें तो ए भी डाइमर फॉर्म में होता है, किसमें होता है, डाइमर फॉर्म में होता है, एक हो गया ये और दूसरा बना दे रहे हैं, ये डाइमर फॉर्म में होता है, डाइमर फॉर्म में होता है। तो ये भी दोनों चेन आपस में किससे जुड़े होते हैं, जे चेन से। तो कभी आपसे पूछा जाए कि किस किस एंटीबॉडी में जे चेन प्रेजेंट होता है, तो आई जी एम में और आई जी ए में, ठीक है ना। तो जे चेन का कॉन्सेप्ट एम और ए से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये पेंटामर होता है और ये डाइमर होता है, ये कैसा होता है, डाइमर, और ये पेंटामर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका होता है, बाकी सब मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब में तीनों में जे चेन नहीं होगा। अब एक आखिरी चीज आपको बता दें, आई जी जी ये सबसे ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम है, इसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, इसका कंसंट्रेशन भी सबसे ज्यादा है, एंड दिस कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये किसको क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और मदर से फीटस में पहुंच सकता है, इसलिए ये फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और ऐसी इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, आगे बताएंगे। आईजीएम का काम क्या है भाई, तो आप बस इतना याद रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी विच आर प्रोड्यूस्ड इन नियोनेट। न्यूबॉर्न बच्चे में जो सबसे पहली एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो आईजीएम होती है, और आईजीए ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं इसको, कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है,
क्योंकि ये हमारे सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, जैसे सलाइवा में, कोलेस्ट्रम में, कोलेस्ट्रम मतलब जो इनिशियल मिल्क होता है मदर की डिलीवरी के बाद, जो इनिशियल गाढ़ा मिल्क होता है उसको क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम। तो क्योंकि ये सिक्रीशंस में प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रम हो गया और सलाइवा हो गया, तो इसीलिए इसको सिक्रीटरी एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी मदर से बच्चे में जाता है, तो मदर से बच्चे में जाने वाला IgG और IgA। फिर डी का फंक्शन अननोन है, स्टिल अननोन, ठीक है ना। और ई को रिएजेनिक एंटीबॉडी कहते हैं, रिएजेनिक एंटीबॉडी भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। जब हम आपको एलर्जी पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहोगे मैम एलर्जी के लिए ई रिस्पॉन्सिबल है कि एलर्जी में ये क्योर करता है? नहीं भाई, एलर्जी के जो सिम्टम्स आते हैं ना वो IgE की वजह से आते हैं। जो हमें अचानक से कोई पॉलन ग्रेन हमने इनहेल कर लिया और उसके बाद हमें तेजी से छींक, खांसी और रनिंग नोज होने लगा, वाटरी आईज होने लगा, उसकी वजह से क्या होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी बॉडी का IgE रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं वो IgE की वजह से होते हैं। तो आई होप कि आपने इम्यूनोलॉजी को भी एंजॉय किया होगा। इम्यूनोलॉजी में बहुत सारी बातें हमने आपको, छोटे से लेक्चर में बहुत सारी बातें हमने आपको बताई। एक बार देख लीजिए हमने क्या बताया। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है, इस दो चेन का बना होता है, दो हैवी चेन दो लाइट चेन, है ना, दो हैवी चेन दो लाइट चेन। और हैवी और लाइट में वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन होते हैं, और वेरिएबल ऑफ लाइट एंड वेरिएबल ऑफ हैवी ये मिलके एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाता है। क्या बनाता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जो कि एंटीजन से बाइंड करता है, ठीक। एपिटोप क्या है, पैराटोप क्या है, हमारा ऐसे मन ही हुआ क्योंकि हम IgE पढ़ाए तो हम यहाँ से जा नहीं सकते थे ये सारी चीज़ें बताए बिना, क्योंकि ये हमें पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस है। और उसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो किसकी बेसिस पे होता है, हैवी चेन के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद कंसंट्रेशन के बेसिस पे, मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे, ये बात आपको याद रखना है। IgM पेंटामर होता है, IgA डाइमर होता है, और सबके सबके फंक्शन और कौन कौन जो है, कौन प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है और कौन जो है ना कोलेस्ट्रम में पाया जाता है, किसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहते हैं, किसको रिएजेनिक एंटीबॉडी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, वो हम क्या पढ़ रहे थे, ड्यूरिंग हाइपर सेंसिटिविटी IgE। बस हाँ, ये पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना कंप्लीट हुआ। आगे चले, अब चलिए देखिए, अब पॉलन ग्रेन के बाद, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, एक टर्मिनोलॉजी है। अब इतनी बात सबको समझ आ गई, अब चलिए ध्यान से समझिए, अब हम क्या देखते हैं।